today we will do the 6th class english book a pact with the sun chapter number 3 the shepherd's treasure revision of question answers let's get started with the chapter this story throws light upon the importance of human values like honesty wisdom and humanity and in this chapter a shepherd by following these values he became a governor दैट मीन वो जो शैफर्ड था शैफर्ड होता है आजड़ी वो ऑनेस्ट था वाइज था एंड ही वॉज हैविंग ह्यूमेनिटी ऑल्सो ह्यूमेनिटी मीन्स दूसरे ह्यूमन्स के प्रति काइंड होना उनकी फीलिंग्स को समझना उनकी हेल्प करना एंड ही वॉज हैविंग ऑल दीज वैल्यूज जस्ट बिकॉज ऑफ़ द प्रेजेंस ऑफ दीज वैल्यूज इन हिज बिहेवियर ही बिकेम अ गवर्नर फ्रॉम शेफर्ड नो वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग्स एंड फर्स्ट वर्ड इज डिजगाइ डिजगाइज होता है चेंज वंस अपेयरेंस मीन्स अपनी खुद की रियल अपेयरेंस को चेंज करना नेक्स्ट इज प्रोविंस दैट मीन टेरिटरी यू कैन से एनी पर्टिकुलर एरिया और स्टेट नेक्स्ट इज समन होता है किसी को बुलावा देना ऑर्डर टू बी प्रेजेंट नेक्स्ट इज डिलइट मीन्स ग्रेट प्लेजर हैपीनेस next is fastened. fastened means close up securely, to lock something or to chain something. now we will start question answers. as we have read in the chapter that there was a poor shepherd who lived in a village in iran and he was very uneducated, means but he was very wise and helpful for all the people in his community. as he was very wise and having the helping nature, सो बिक ऑफ हिज दीज क्वालिटीज ही बिकम वेरी पॉपुलर सो वन डे द किंग ऑफ दैट एरिया ऑल्सो केम टू नो अबाउट द क्वालिटीज ऑफ दैट शाफर्ड इन फर्स्ट क्वेश्चन इज हु विजिटेड द शाफर्ड वन डे एंड वाई दैट मीन के एक दिन शैफर्ड को कौन मिलने आया था और क्यों आया था द किंग ऑफ ईरान विजिटेड द शेफर्ड वन डे एज ही वॉन्टेड टू चेक द रियलिटी अबाउट द विजम एंड फ्रेंडली नेचर ऑफ द शैफर्ड अब जो शैफर्ड है वो भी ईरान के किसी विलेज में रहता था अब जो ईरान का किंग था ही डिसाइड टू विजिट शैफर्ड और विजिट क्यों करना चाहता था बिकॉज द शेफर्ड वॉज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज़ मतलब सभी लोग कहते थे कि ईरान के एक विलेज में एक शेफर्ड है वो बहुत वाइज है और सभी लोगों की हेल्प करता है तो किंग एक्चुअल में ये जानना चाहता था कि क्या सच में वो शेफर्ड वाइज है और उसका फ्रेंडली नेचर है सच में तो किंग मतलब रियलिटी जानना चाहता था सो दैट्स वाई किंग ड्रेस्ड हिमसेल्फ सेल्फ लाइक अ शेफर्ड दैट मीन किंग डिजाइज्ड हिमसेल्फ उसने अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा लिया अपनी अपेयरेंस को और एक शैफर्ड की तरह उसने ड्रेसअप किया एंड मैट द वाइज शैफर्ड नाउ इन द चैप्टर वी रेड दैट ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद द शैफर्ड द किंग केम टू नो दैट द शैफर्ड वॉज रियली वाइज वॉर्म एंड केयरिंग पर्सन

नब सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डिड द अदर गवर्नर ग्रो जेरस ऑफ द शाफर्ड अब जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर्स थे वो इस शाफर्ड से जेलस फील करते थे इन क्वेश्चन इज वाई एन आंसर इज द कॉमन शाफर्ड वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट कॉमनवे जो आम एक आदरी था वो एज अ गवर्नर सेलेक्ट हुआ था एंड ही वॉज़ वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्कर एज वी नो अबाउट हिज क्वालिटीज़ वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट था ईमानदार था एंड अ हार्ड वर्कर ऑल्सो सो ही वॉज लव्ड बाई द पीपल अब जी ऑब्बियस बात है कि किसी डिस्ट्रिक्ट को कोई किसी स्टेट को चलाने वाला पर्सन अगर उस स्टेट के लोगों के लिए ऑनेस्ट होगा उनकी हेल्प करेगा सो ऑब्वियसली ही विल बी लव्ड बाई द पीपल एंड सेम है विद द शेफ ऑल्सो पीपल स्टार्टेड लविंग हेम एंड हीज़ फेम स्प्रेड ऑल अराउंड द कंट्री और उसका नाम जो था मतलब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था ऑल अराउंड द कंट्री पूरी कंट्री में दैट्स वाई द अदर कोडियर्स ग्रीव जैलेस ऑफ द शेफर्स यही रीजन था कि वो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था और बाकी जो गवर्नर्स थे वो जैलेस फील कर रहे थे ओके ना वट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी अब जब वो गवर्नर बहुत ज्यादा फेमस हो गया सो ऑल अदर गवर्नर्स डिसाइडेड और यू कैन से दे मेड अ प्लान अगेंस्ट द कॉमन गवर्नर द कॉमन शाफर्ड जो अब गवर्नर बन चुका था उन्होंने एक प्लान बनाया कि इसकी पॉपुलरिटी को कैसे कम करें सो दे वेंट टू द किंग एंड सेड दैट द न्यू गवर्नर इज़ नॉट लॉयल वो ऑनेस्ट नहीं है वो अपने एक आयरन चेस्ट में एक आयरन बॉक्स में जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं उसमें से कुछ मनी या कुछ क्वेंस वो अपने उस चेस्ट में सेव करके रखता है अब जब बाकी सारे गवर्नर ही मतलब उस न्यू गवर्नर के अगेंस्ट बोल रहे थे सो किंग डिसाइडेड टू कॉल द न्यू गवर्नर टू द पैलेस एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री इज वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस के उसको पैलेस में क्यों बुलाया था एंड आंसर इज द जेलस गवर्नर पॉइजन द किंग्स ईयर अगेंस्ट द न्यू शफर्ड गवर्नर पॉइजन होता है मतलब किसी के भी अगेंस्ट भड़का देना कुछ भी गलत मलत कह के अब जैसा मैंने आपको बताया है कि बाकी गवर्नर्स ने उस न्यू गवर्नर के अगेंस्ट किंग को, किंग को कहा के वो so कि वो लॉयल नहीं है दे रिपोर्टेड दैट द न्यू गवर्नर वॉज डिसऑनेस्ट कि वो डिसऑनेस्ट है ही ऑलवेज कैरीड ट्रेजर ट्रेजर होता है खजाना इन चेस्ट वो मतलब अपने साथ कुछ पार्ट ऑफ ट्रेजर का मतलब अपने पास रखता है सो द किंग कॉल्ड हिम टू रिवील द ट्रूथ रिवील होता है किसी चीज़ को सामने लाना मतलब किसी चीज़ से पर्दा हटाना तो किंग ने उस गवर्नर को सच सामने दिखाने के लिए बुलाया था क्वेश्चन नंबर फोर इज़ व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन एंड व्हाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट तो जब उसको बुलाया मतलब उस आयरन चेस्ट में क्या था और उस चीज़ को वो जो शेफ़र्ड था क्यों हमेशा कैरी करता था एंड आंसर इज द आयरन चेस्ट कंटेंट एन ओल्ड ब्लैंकेट ऑफ द शेफर्ड और उस आयरन चेस्ट में सिर्फ एक ब्लैंकेट कंबल था द शेफर्ड ऑलवेज कैरिड इट बिकॉज इट वॉज हिज ओनली ट्रेजर क्योंकि वो शेफर्ड का एकमात्र वही खजाना था एंड इट प्रोटेक्टेड हिम एवरी टाइम और उसका ब्लैंकेट ही उसको हमेशा से प्रोटेक्ट करता आ रहा था मीन्स ड्यूरिंग द टाइम वन ही वॉज शैफर्ड दैट मीन वो अपने पहले टाइम को बोलना नहीं चाहता था क्वेश्चन नंबर फोर इज द ब्लैंकेट एंड एग्जाम्पल ऑफ द शैफर्ड ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ

ही वॉज बिफोर गवर्नर जो कि उसको बिलोंग करता था बिलोंग होता है हमारी बिलोंगिंग मतलब हमारी कोई भी चीज़ जैसे उसका ब्लेंकेट द ब्लेंकेट बिलोंगड टू द शाफर्ड और वो उसको हमेशा कैरी करता था क्योंकि वो ब्लैंकेट उसको रिमाइंड कराता था याद दिलाता था कि हु ही वॉज बिफोर गवर्नर कि गवर्नर से पहले उसकी क्या सिचुएशन थी और वो क्या था गवर्नर से पहले एंड वो उस टाइम को भूलना नहीं चाहता था दैट्स वाई ही ऑलवेज कैरेड द ब्लैंकेट विद हेम नेक्स्ट इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन वाई वॉज़ एवरी वन डिलइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक मतलब सभी उस कैमल की बैक पर जो आयरन चेस्ट था उसको देख के डिलाइटेड मीन्स खुश हैप्पी क्यों हो गए थे आंसर इज एवरी वन प्रेजेंट इन द कोर्ट वॉज डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक बिकॉज द गवर्नर्स टोल्ड द किंग दैट ही वॉज डिसऑनेस्ट बिकॉज गवर्नर्स ने किंग को बताया था कि वो जो न्यू गवर्नर है वो डिसऑनेस्ट हैं वो लॉयल नहीं है वफादार नहीं है एंड हेज़ आयरन चेस्ट कंटेन्ड ट्रेजर और उसके आयरन चेस्ट में खजाना है दे थाट दैट द आयरन चेस्ट विल प्रूव हिम डिस ऑनेस्ट और उन्होंने सोचा कि वो जो आयरन चेस्ट जब सामने सच रिवील होगा उसको जब वो ओपन करेगा देन द आयरन चेस्ट विल प्रूव हिम डिसऑनेस्ट तब उसके खुलने के बाद ये पता चल जाएगा सबको कि जो न्यू गवर्नर है ही इज डिस ऑनेस्ट एंड द किंग वुड डिसमस द शाफर्ड डिसमिस होता है किसी भी पोजिशन से हटा देना रिमूव कर देना डिसमिस द शैफर्ड ऑफ द गवर्नर रिपोर्ट प्रूवड ट्रू और वो सोचते थे कि किंग मतलब सच सामने आने के बाद शॉफर्ड को उसकी पोजिशन से मतलब गवर्नर की पोजिशन से उसको रिमूव कर देगा दैट्स वाई दे ऑल वर हैप्पी बट उनकी जो विशेज थी वो फुलफिल नहीं हुई थी Why? Because that shepherd or that new governor was in actual the honest man. तो इस चैप्टर से हमें यही पता चलता है कि if we are honest, if we are loyal to each other, then with the grace of God, we don't even know what we will get in the future. मतलब जिस चीज़ की हम सोच भी नहीं सकते हमें वो चीज़ भी हासिल हो सकती है if we are honest. So that's it. I hope you understood this very easy chapter.